खुशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस वक्त देश के केंद्र में चर्चा का विषय बनी हुई है कांग्रेस पार्टी। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने में जुटी हुई है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस से अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार विपक्षी दलों के साथ बैठकें कर रहे हैं और विपक्षी दलों के साथ बैठकें करते हुए वह अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस वक्त देश के केंद्र में सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार इस मामले के चलते निशाने पर बने हुए हैं। दूसरी ही तरफ कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी पर सूरत की सेशन कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। फैसला यही रहा कि अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी और सजा को चुनौती देने के लिए सुनवाई अब 3 मई को होगी। राहुल गांधी को जमानत मिल चुकी है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो अब यहां पर पंजाब कांग्रेस की तरफ राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का रुख बना हुआ है। बात यहां पर करेंगे पंजाब से वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, जो हाल ही में जेल से रिहा किए गए हैं। पटियाला जेल से एक साल के बाद, तकरीबन 10 महीनों के बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। मालूम हो कि रोडरेज मामले में एक साल की उन्हें सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने कारावास के दौरान छुट्टियां नहीं ली, इस वजह से उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू को जेल से रिहा किया गया और यहां पर उनका शानदार अंदाज में स्वागत भी किया गया। लेकिन अब खबर सामने आई है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से नवजोत सिंह सिद्धू की फ़ोन पर बातचीत हुई है। सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो चुकी है कि जल्द से जल्द अब सिद्धू को कोई अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का अब सिद्धू से प्यार बरकरार है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये दावा किया गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू से फ़ोन पर बात की है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने और जल्द से जल्द उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। सियासी सफर नवजोत सिंह सिद्धू का कितना और शानदार रहा है ये बखूबी जानते हैं, लेकिन पार्टी में किस तरह से गुटबाजी देखने को मिली थी पंजाब में, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना किया गया, उसके बाद सोनिया गांधी ने सिद्धू से इस्तीफा मांग लिया और उन्होंने तुरंत ही इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन जेल में मिलने उनसे कई वरिष्ठ नेता पहुंचे और उन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने का संदेश दिया। तो सिद्धू का कहना है कांग्रेस पार्टी को वह मजबूत करेंगे भविष्य में। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं सिद्धू, अब यहाँ पर क्या कुछ उन्हें अहम पद दिया जाएगा, ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।